तो दोस्तों आज भी हुआ है टेक वर्ल्ड में बहुत कुछ और उनमें से कुछ चुनकर लेके आ गए हैं खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो शुरू करेंगे दोस्तों आज का एपिसोड। सबसे पहले आपको बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3 के बारे में। दोनों ही फोन इंडिया में होने जा रहे हैं 20 अगस्त को लॉन्च। वैसे ये एक फॉर्मेलिटी है और तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस आप ये सोच सकते हैं कि इंडियन यूजर को 20 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राइस आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं, 1,33,000 रुपए से शुरू होगा Z Fold 3 का प्राइस। और दोस्तों ज्यादा और कुछ बहुत बताने के लिए नहीं है, सब कुछ तो आपको पता ही है। इंतजार कीजिए 20 तारीख का अगर आप इंटरेस्टेड हैं फोन्स में। कभी कभी दोस्तों कुछ दाव ऐसे होते हैं उल्टे पड़ जाते हैं। जेफ बेजोस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी उन्होंने हाल ही में स्पेस की अपनी यात्रा कंप्लीट की है और उसके बाद उन्होंने अमेज़न के कस्टमर्स का थैंक्स कहा। एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सारे खर्चे को उठाने के लिए एक अमेज़न कस्टमर्स का बहुत शुक्रिया। एक तो यह एप्रिसिएशन मैसेज था, लेकिन कस्टमर्स को दोस्तों पता नहीं क्यों बुरा लग गया और उन्होंने प्राइम मेंबरशिप विड्रॉ करना शुरू कर दी। मतलब दाव उल्टा ऐसा पड़ा कि दोस्तों नुकसान उठाना पड़ा। लगता है कि इससे अब जेफ बेजोस या दूसरे बिजनेसमैन बहुत कुछ सीखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बताया था कि ट्विटर ने 5,000 से ज्यादा कांग्रेस से जुड़े हुए अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और उससे पहले ट्विटर ऑलरेडी राहुल गांधी के ऑफिशियल अकाउंट को भी ब्लॉक कर चुका है टेम्पररी तौर पर। अब जाकर दोस्तों NCPCR मांग कर रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम से कि वो भी जरूरी कदम उठाएं और राहुल गांधी के जो दोनों प्लेटफॉर्म पर अकाउंट है ऑफिशियल उनको बैन करे, ब्लॉक करे, जो भी करना है लेकिन करे। अब दोस्तों इस तरह की डिमांड उठने के बाद लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स हैं उन पर दोस्तों इस समय शनि की निगाह पड़ी हुई है और इसीलिए इस तरह की लगातार कोशिशें की जा रही है। देखते हैं दोस्तों इन दोनों अकाउंट्स पर, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर क्या निकल के आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और टैकी नजर आता है क्योंकि हर ऑटोमोबाइल कंपनी इस समय सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, चाहे वो कोई भी हो दोस्तों। लेकिन सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां नहीं बल्कि टैक कंपनियां भी दोस्तों किसी न किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़कर अपनी ऑटोनोमस कार पर काम करना चाहती हैं। एप्पल को लेकर बहुत बार खबर आई है, लेकिन अब दोस्तों एक नई रिपोर्ट आ रही है कि साउथ कोरियन ब्रांड हुंडई के साथ मिलकर एप्पल काम करना चाहता है। फिलहाल दोनों कंपनियां आपस में बात कर रही है, कोई भी डील अभी फाइनल नहीं हुई है। देखते हैं क्या निकल के आता है दोनों के बीच बातचीत का, क्या दोनों कंपनियां मिलकर साथ सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम करना चाहेंगी। जो भी होगा दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में अगर फैन एडिशन की बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था S21 5G के फैन एडिशन का और खबर यह थी कि शायद Z सीरीज के फोन्स के साथ में 11 तारीख को लॉन्च हो सकता है, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश नहीं हो पाया, डिले हो गई इसकी लॉन्च एक बार फिर से। लेकिन अब इसे ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया गया है फोन को। अब लगता है कि शायद हमें सितंबर में यह फोन नजर आ सकता है। कंपनी ने अभी कोई अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं किया है, लेकिन दोस्तों प्रेडिक्शन यह है कि शायद सितंबर में आपको यह फोन नजर मार्केट में आ जाए। इंटरनेट की उपयोगिता क्या है यह समझाने की जरूरत किसी को भी नहीं है। हर एक जानता है कि इंटरनेट से आप क्या क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं और इसीलिए जरूरी भी है कि इंडिया ही क्या बल्कि हर जगह पूरी दुनिया में हर हाथ में इंटरनेट तो होना ही चाहिए। अब इसी के तहत गवर्नमेंट का जो IT मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि 2025 तक इंडिया में हर एक हाथ को इंटरनेट मिल जाए और इसके लिए कोशिश की जा रही है भारत नेट के अंदर सभी को ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर वाईफाई प्रोवाइड कराने की। वैसे दोस्तों पहल तो अच्छी है और काफी समय से चल भी रही है। अब इसमें पुख्ता कुछ अगर फाउंडेशन इसमें होती हुई नजर आए तो दोस्तों इमारत भी इस बात की काफी मजबूत और बढ़िया होगी। 17 अगस्त को है लॉन्च इवेंट IQ की तरफ से, जिसमें कि अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज IQ 8 लॉन्च करेगा। IQ 8 और IQ 8 Pro के साथ में इन दोनों ही फोन में 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है जो कि आज एक नई लीक में रिवील हुआ है। वैसे दोस्तों अगर लीक्स पर यकीन करें तो काफी अच्छी चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलने वाली है। बस इंतजार कीजिए दोस्तों, देखते हैं कि बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना टाइम लेता है फोन चार्ज होने में। पिछले 2 सालों में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल की अहमियत सबको समझ में आ गई है। ऑनलाइन स्टडी की बात हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, बिजनेस पर्पसेस हो, कुछ भी हो दोस्तों हर एक जानता है कि इनसे क्या क्या आप किया जा सका है और इसीलिए दोस्तों हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट कोशिश कर रही है कि यूजर्स को ज्यादा बेहतर फीचर दिए जा सके। अब इसी के तहत गूगल मीट ने एक नया फीचर दे दिया है जिसमें कि किसी भी मीटिंग के अंदर 25 से ज्यादा होस्ट को बनाया जा सकता है। मतलब अभी तक एक होस्ट होता था, लेकिन अब अगर 25 कोई आप चाहते हैं कि होस्ट हो किसी मीटिंग में तो ये भी अब आप इस नए फीचर से कर सकेंगे। अभी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, वीडियो के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।